हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का श्रवण किया। आज हम रुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय पहला और दूसरे का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। मात्र इस कथा को सुन लेने से आप लोगों के सारे किए हुए जाने अनजाने में पाप सब नष्ट हो जाएंगे, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना। हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर उसके साथ आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए पढ़ते हैं कि द्वितीय खंड के पहले और दूसरे अध्याय में कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदांतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मारीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुख देखते ही परोच के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मारीच आदि दुजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे या युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसीलिए लोक में मंथन नाम से विख्यात होगे। मनोभाव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मद मस्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति है वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे, वह तुम्हारी कामनी तुम से अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तादांतर में वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वदा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभव यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारे रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मता यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्व को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनो हारड़ी विद्धुमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रमा चंद्रानन लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग विष्णु शिशु महामते विद्याता, अपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धर्म को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का यह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त
कामिनियों सदा के लिए सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेघा तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहां तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेघातिथि की पुत्री हुई? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तो यहीं पर पहला और दूसरा अध्याय पार्ट एक समाप्त हुआ है। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।